13,500 रुपए की इमदाद नए प्रोग्राम से आपके अकाउंट में अभी तक ट्रांसफर नहीं हुई है, तो आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाली है। और इसके अलावा अगर आपको भी हुकूमत की तरफ से बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में परमानेंटली नाइल कर दिया है या फिर आपको जांच पड़ताल का सामना करने को मिल रहा है, तो आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि हुकूमत की तरफ से 7 लाख ऐसी खवातीन हजरात हैं जिनको हुकूमत की तरफ से दोबारा फिर अहल करने का एक नया तरीकेकार और एक नया मेथड आपके साथ आज की छोटी सी वीडियो में आपके साथ मैं शेयर करूंगा। लिहाजा आज की इस वीडियो को आप अगर मुकम्मल देखेंगे तो यकीनन आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होने वाली है। तो चलिए गाइस बगैर टाइम वेस्ट की वीडियो की जानी बढ़ लेते हैं, और वीडियो की जानी बढ़ने से पहले आपसे छोटी सी गुजारिश करता हूं, अगर आप इस चैनल पर नए आ चुके तो नीचे आप सामने रेड कलर का आपको बटन नजर आ जाएगा, आप लाजमी तौर पर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का नोटिफिकेशन आप ऑल पे सेट कर सकते हैं, जिससे यह फायदा होता है जो भी नई वीडियोस होंगी उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले और बर वक्त पहुंचता रहेगा। तो आज की इस वीडियो में तीन ऐसे टॉपिक पे बात करूंगा, सबसे पहले नए प्रोग्राम से 13,500 रुपए की इमदाद और जिन लोगों को बेनजीर से परमानेंटली नाइल कर दिया वो लोग किस तरह अपने नाम को हाइल करवा सकते हैं, और इसके अलावा काफी से लोग हैं जिनको जांच पड़ताल का काफी तक सामना करने को मिल रहा है। आज इस वीडियो में इन तमाम मसाइल का इंशाल्लाह हल लेकर हाजिर हूं, तो इस वीडियो को मुकम्मल देखेंगे तो आपको मुकम्मल समझ भी आ जाएगी। सबसे पहले मैं नाइल अफराद के हवाले से बात करूंगा कि हुकूमत की तरफ से जिन बेनिफिशरीज को, जिन खवातीन हजरात को या फिर जिन मर्द हजरात को परमानेंटली नाइल कर दिया, उन तमाम बेनिफिशरीज के हुकूमत की तरफ से एक बड़ी खुशखबरी सुना दिया है, उन तमाम बेनिफिशरीज को हुकूमत की तरफ से दोबारा फिर अहल किया जा रहा है। तो मैं आपको बता दूं 7 लाख ऐसी खवातीन हजरात हैं जिनको दोबारा फिर अहल करने का एक नया तरीकेकार मुतारिफ करवाया गया है, वो कौन सी अफराद हैं? तो मैं आपको बता दूं जिन बेनिफिशरीज के बगैर किसी वजह से नाइल किया गया था, जिनका पीएमटी स्कोर 29 से कम था, या फिर जिन खवातीन हजरात को जांच पड़ताल का सामना करने को मिल रहा था, या फिर काफी ऐसी खवातीन हजरात हैं जो हज उमरा करने के लिए आउट ऑफ सिटी आउट ऑफ कंट्री गई थी जिसकी वजह से उनके नाम को नाइल कर दिया, या फिर काफी ऐसी खवातीन हजरात हैं जिनके बच्चों ने अपने नाम को उसमें एड करवाया था FBR में, उसकी वजह से उन लोगों को भी हुकूमत की तरफ से आयल किया जा रहा है। काफी ऐसे लोग हैं जिनको आयल किया जा रहा है, लेकिन आयल करवाने के लिए एक तरीकेकार है, वो क्या है कि आप अपना शिनाख्ती कार्ड लेकर किसी भी करीबी BISP दफ्तर में जाएं, वहां पर अपना शिनाख्ती कार्ड सबमिट करें, वहां पर आपसे कुछ डिटेल मांगी जाएगी, आपने डिटेल उनको देनी है और देते सार फौरी तौर पर आप अप्लाई करें, आपकी इमदाद भी आएगी, आपको भी पैसे मिलेंगे, और हुकूमत की तरफ से काफी ऐसे बेनिफिशरीज हैं इस तरह दोबारा फिर अपने नाम को आयल करवा चुकी हैं। अब बात आती है दूसरे नंबर पर हुकूमत की तरफ से नए प्रोग्राम के हवाले से। काफी लोग यूट्यूब पर वीडियो बना रहे हैं, नया प्रोग्राम आ गया 13,000 की इमदाद। मैं आपको बताऊं 13,000 का नया प्रोग्राम आ रहा है, अभी आया नहीं है। 13,000 की इमदाद आपको मिलेगी, अभी नहीं मिल रही है। आने वाले कुछ दिनों के अंदर हुकूमत की तरफ से एहसास प्रोग्राम की सुनने में अपडेट आ रही है कि एहसास प्रोग्राम से मर्द और खवातीन हजरात को 13,500 रुपए की इमदादें मिलने जा रही हैं, जिस प्रोग्राम का आगाज साबिक वजीर आजम इमरान खान साहब ने किया था, और इसी प्रोग्राम को अब दोबारा फिर आगाज करके उन तमाम लोगों को पैसे मिलने जा रहे हैं जिन लोगों को हुकूमत की तरफ से कभी भी इमदाद नहीं मिली थी, उन तमाम लोगों को हुकूमत की तरफ से इंशाल्लाह दोबारा फिर आयल भी किया जाएगा, दोबारा फिर पेमेंट भी मिलेंगी। उम्मीद आज की शॉर्ट सी वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद फायदे, लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिए। मिलते हैं अच्छी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।